JD is a party here. JD is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. आप माननीय सदन बोलिए. अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है. कहां से यह मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहां उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरु भाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है. यह एक कानून से बना हुआ संस्था है. उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है. पारदर्शिता होना चाहिए. कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का. अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से. ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं. और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्या की बात कर रहे हैं. केसी वेणुगोपाल जी, अल्पसंख्या की बात करते हैं. इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था. हम उसके गवाह हैं. हजारों सिख समुदाय. कौन सा सिख समुदाय? जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी. सड़कों पर घूम घूम के सिखों की हत्या की.